हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रोटेक। एंड आज यहां पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये है जुपिटर का BS6। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जुपिटर क्लासिक BS6 नहीं है, ये जुपिटर का नॉर्मल वाला BS6 है। यानी BS6 आ चुका है। अभी आपने कहीं भी यूट्यूब से लेकर कहीं भी ये वीडियो नहीं देखा होगा, सबसे पहले मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसके लुक्स और सभी पूरे वॉक अराउंड फीचर्स देख सकते हैं आप यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं आपको फुली रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, इसका फुल रिव्यू आपको कल या परसों तक मिल ही जाएगा। किसी भी हाल में मेरे पास ये स्कूटर आ गया है रिव्यू के लिए, और यहाँ पर हम इसका टेस्ट राइड भी करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या इसमें चेंजेस आए हैं BS6 में। जैसा कि आपको पता है BS6 में अब ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन हो चुका है, तो अब यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। लुक में आप देख पा रहे हो, लुक में कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट जो एडिशनल चेंजेस आए हैं वो आपको कल वीडियो में मिल जाएंगे। सो गाइस, आपसे मेरा ये कहना है कि आप उससे रिलेटेड कौन सी क्वेरी हैं, आप कौन से क्वेश्चन चाहते हो, आप किस स्कूटर से कंपेरिजन चाहते हो, जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना ताकि मैं इस पर जरूर डिस्कस कर पाऊँ। अगर आप हेडलैम्प देख पाओ तो हेडलैम्प से भी अगर आप देखोगे तो लगभग सिमिलर ही दिख रही है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और स्कूटर को आप देख सकते हो यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर लेके कई चीजों में बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं। लुक वाइज शायद आपको इतना बड़ा चेंज समझ में ना आ रहा हो, बट जो उसका डीप रिव्यू रहेगा उसमें आप क्लियरली समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर आप वॉक अराउंड में देख सकते हो क्या क्या चेंज दिख रहे हैं आपको, और रियर में भी आप देख सकते हो। रियर से स्कूटर, जैसा कि आपको पता है, इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग आता था, तो वो भी अब यहाँ पर कंटिन्यू है। फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एडिशनल स्पेस दे दिया गया है, तो ये आप देख पा रहे हो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था। साथ ही FI इंजन आने के बाद आपको अब BS6 इंजन के लिए BS6 फ्यूल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा कि आपको इसके लिए BS6 फ्यूल ही लेना पड़ेगा। बट अभी कंपनियां ये सजेस्ट कर रही हैं कि अगर आपके पास BS6 फ्यूल अवेलेबल नहीं है, आपके सहम में अवेलेबल नहीं है, तो आप जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाले फ्यूल होते हैं, यानी जो प्रीमियम फ्यूल्स मिलते हैं, यूजुअली आपको हर पेट्रोल पंप पर मिलते हैं बट हम लेते नहीं हैं, तो वो फ्यूल अगर आप यूज़ करोगे तो जहाँ इंजन में वेयर एंड टेयर्स कम से कम होंगे। सो गाइस, आपका जो भी क्वेश्चन है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका रिव्यू आपको मैं कल या परसों कल ही ट्राई करता हूँ कि कल ही आपको मिल जाए। और अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना ताकि आपको कल इस वीडियो के रिगार्डिंग पूरी अपडेट्स मिल जाएँ।